नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। पुराने विवाद में कुल्हाड़ी से वार का एक की हत्या, हुडकेश्वर पुलिस स्टेशन में आया मामला सामने। महाराष्ट्र बंद के ऐलान के बाद एनवीसीसी ने व्यापारियों ने जारी किया वीडियो, जबरन दुकान बंद न कराए। और मनपा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अभियान किया तेज। खबरें विस्तार से। पुलिस से शिकायत की तो पड़ोसी ने कुल्हाड़ी से वार कर पड़ोसी को मार ही डाला। यह वारदात हुडकेश्वर के नेहरू नगर में हुई। इस मामले में मृतक का नाम बालू मेश्राम और आरोपी का नाम सूरज बागड़े बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी बालू मेश्राम पोल्ट्री फार्म चलाता था, जबकि सूरज बेरोजगार है। दोनों एक ही परिसर में रहने के कारण दोनों के बीच 8 वर्ष पहले विवाद हो गया था। तब से दोनों के बीच बातचीत बंद थी। शनिवार को जब बालू के घर का काम चल रहा था तो सूरज उसे गाली गलौज करने लगा। इसी बात को देखते हुए जब बालू ने सूरज को पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी, तब सूरज अधिक आग बबूला हो गया, जहां शाम होते होते विवाद इतना गर्माया कि सूरज ने बालू के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। आज सोमवार को लखीमपुर की घटना का विरोध करने के लिए महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है, जिसे देखते हुए नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मिहाड़िया ने एक वीडियो संदेश जारी कर व्यापारियों और प्रशासन को संदेश दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन प्रकाश मिहाड़िया, प्रेसिडेंट नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स नागपुर से। सर्वप्रथम मैं आप सबको नवरात्र की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि माँ अम्बे का आशीर्वाद हम सब पे ऐसी बना रहे। दोस्तों, ये वीडियो मैं 10 अक्टूबर 2021 को जारी कर रहा हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, कल 11 अक्टूबर 2021 को महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने महाराष्ट्र बंद का कॉल दिया है। ये उत्तर प्रदेश में हुई हुई लखीमपुर खैरी की घटना के विरोध में हम भी इस घटना का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और चाहते हैं कि दोषी लोगों को उचित कार्रवाई हो और उनको सजा मिले। लेकिन अभी जहाँ तक बंद की बात है, बंद करना बहुत कठिन है। महाराष्ट्र सरकार से भी कुछ नहीं छुपा है, क्योंकि अभी बाज़ार नियमित रूप से खुलकर कुछ ही समय हुआ है और अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा है। अगर हम हमारी दुकान एक दिन भी बंद करते हैं तो हमारा कस्टमर सीधा ऑनलाइन पे जाता है, क्योंकि ऑनलाइन व्यापार कभी बंद नहीं होता है। मैं चाहता हूँ जो व्यक्ति इसके समर्थन में अपनी दुकानें बंद करना चाहता है वो खुशी से अपनी दुकानें बंद कर सकता है, लेकिन जो अपनी दुकानें बंद नहीं करना चाहता है मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि उनको वो प्रोटेक्शन दे और किसी भी प्रकार से उनकी दुकानें कोई भी व्यक्ति आकर जबरन तरीके से बंद ना कराए, इसकी ध्यान रखे। आपसे निवेदन है मेरा पुलिस प्रशासन से, और साथ ही साथ महाराष्ट्र की जो सरकार रही है, हम व्यापारियों की भी माँ बाप है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा और हमको नियमित रूप से व्यापार करने की कल भी अनुमति रहेगी। धन्यवाद। नागपुर महानगर पालिका के चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जहां घर घर जाकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तौर पर नारा दिया जा रहा है। उसके तहत बदलेगी दिल्ली बदलेगा नागपुर, इस स्लोगन के जरिए आम आदमी पार्टी ने अभियान अपने हाथ में लेकर जनता को जोड़ने का प्रयास किया है। यही मुद्दे के तौर पर पेट्रोल डीजल बिजली बिल टैक्स मनपा स्कूल सिटी बस पूर्व मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे जैसे विषयों को आम आदमी पार्टी जनता के सामने उठा रही है। नागपुर में आम आदमी पार्टी अभी आने वाला जो चुनाव है नागपुर महानगर पालिका का, उसकी तैयारियां कर रही है। उस तैयारी के पहले अभी होता क्या है, हर बार हर पार्टियां आती है, इतनी सारी पार्टियां नागपुर में, बीजेपी है, कांग्रेस और बाकी सारी पार्टियां है जो आती है और चुनाव में अपने बहुत सारे ढेर सारे वादे करते हैं। चुनाव के एक दो महीने पहले निकलते हैं, लोगों को दारू पैसा बांटते हैं और अपना काम करके निकल जाते हैं। लेकिन हमने थोड़ा एक नया अभियान चालू किया है, जिसमें दिल्ली के कामों का हम लोगों को बता रहे हैं और दिल्ली के जो बिजली जो फ्री की है 200 यूनिट, उसके बाद 20,000 लीटर पानी फ्री किया है, महिलाओं के लिए बस सुविधा फ्री की गई है, स्कूल वर्ल्ड क्लास के बनाए गए हैं और डोर स्टेप डिलीवरी, ऐसे अनगिनत काम जो हुए हैं जिसकी दुनिया कायल हो चुकी है, पूरी दुनिया भर में उसका डंका पीट रहा जा रहा है, उसी के माध्यम से हम लोगों को अभी घर घर तक जा रहे हैं, लोगों को पूछ रहे कि दिल्ली के काम आप तक पहुँचे हैं क्या।
और दिल्ली के काम आपको कैसे लगते हैं और आपके एरिया की क्या समस्या है, लोगों को क्या, जनता की क्या समस्या है और उनका राय हम ले रहे हैं और ये अभियान उसमें हम ये भी पूछ रहे हैं कि आपकी कोई क्या क्या समस्या है और कौन से मुद्दे पे आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहिए और जनता की जो राय है वो राय हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसका हम सर्वे कर रहे हैं और अगर जनता चाहेंगी और जनता बोलेंगी तो हम चुनाव में उतरेंगे। और अभी तक हमारा नागपुर के 151 वार्ड में सर्वे शुरू है, करीब करीब हमारे पास अभी 2 से 3 लाख लोगों का डेटा आ चुका है, लोगों का पूरा साथ इस बार आम आदमी पार्टी को तैयार है क्योंकि लोग ये जो 5 साल था फिर कोरोना का काल था तो उन इन सब महामारी में भी लोगों ने देखा है कि जो नागपुर के नेता लोग हैं बीजेपी कांग्रेस के और नगर सेवक वो मुंह छुपा के अपने घर में दुबक के बैठे थे, उन्होंने काम नहीं किया था जो, और दिल्ली का काम उन लोगों ने देखा है तो जनता इस बार पूरी तरह से तैयार है और आम आदमी पार्टी के साथ है। अभी 151 वार्ड नागपुर में अभी तक है और हम पूरे वार्ड में हमारी आम आदमी पार्टी की टीम चुनाव लड़ने वाली है और हर वार्ड में हमारी कमेटियाँ जैसे आप देख सकते हैं पूरी टीम हमारी काम कर रही है। अभी तक हमारे लगभग 1 लाख लोगों का सर्वे कंप्लीट हो चुका है और निरंतर हम सवेरे दोपहर शाम हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं पूरे नागपुर शहर में। हमारा लक्ष्य है कि 5 लाख लोगों का कम से कम सर्वे किया जाए आने वाले 1-2 महीने के अंदर और जनता की राय हम फिर से मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम सामने रखेंगे और डेटा आपके सामने करेंगे कि भैया 5 लाख लोगों ने हमको बोला है कि आप इस बार चुनाव लड़िए और उस आधार पर हम जनता को साथ में लेके, जनता का साथ लेके हम चुनाव में उतरने वाले हैं। साथ तो अभी नागपुर में जहाँ तक हम लोग सर्वे कर रहे हैं, हर एरिया में हमारा सर्वे चालू है तो जितना एरिया में अभी घूम रही हूँ बहुत यानी बढ़ चढ़ कर लोग बोल रहे हैं कि नहीं इस बार हमको आम आदमी पार्टी ही चाहिए, हमको कांग्रेस नहीं बीजेपी नहीं, हम तो यानी आएंगे भी हमारे दरवाजे पे तो हम जूते मारने तैयार हैं क्योंकि कोरोना में जो परिस्थिति हमारे नागरिकों की हुई थी उस समय एक भी नगर सेवक घर से नहीं निकला था, एक भी हमारा MLA जो है, एक भी MLA हमारे घर से नहीं निकले थे, इसलिए आम आदमी पार्टी के बहुत से लोगों ने अन्न का वाटप किया, धान्य वाटप किया, ये सब कोरोना में उन लोगों ने किया है तो जनता जानती है कि सत्ता में ना होते हुए भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता की मदद की तो हम यानी जब NMC में आएगी आम आदमी पार्टी तो नगर सेवक इनकी मदद करेंगे और कुछ ना कुछ परिवर्तन लाएंगे और सबका तो ऐसे जैसे मैं अभी घूम रही हूँ एरिया में तो सबका कहना है कि इस बार नए लोगों को चांस देना चाहिए, बहुत हो गया बीजेपी कांग्रेस, इस बार आम आदमी पार्टी को चांस देना चाहिए। हाँ बहुत से लोगों में ना एक आक्रोश है कि सिलेंडर महंगा हो गया, खाने का तेल महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, ऊपर से यहाँ हमारे पास रोज़गार नहीं है, हम कैसे यानी ज़िंदगी कैसे जिए, तो बहुत से लोगों को ये मानना है कि इस बार तो आम आदमी पार्टी को अभी 2022 में देते हैं NMC में लाते हैं, कुछ सुविधाएं हमको मिलेगी जैसे स्वास्थ्य है, पानी है, शिक्षा है, आरोग्य जो आपको बताए, ये जो मूलभूत गरजे हैं वो तो उनके पूरे होंगे, उसके बाद आने वाला जो समय है 2024 में भी आम आदमी पार्टी को ही हम लोग जिता के लाएंगे, जिसके कारण हमने जो गलती किए है बीजेपी कांग्रेस को लाकर, जो मोदी लहर चली थी उसने पूरे देश में कहर कर दिया है अभी, तो वो अभी हम लोग वो गलती हम सुधारना चाहते हैं, इसलिए हम लोग आम आदमी पार्टी झाड़ू का ही बटन दबाएंगे, पूरी जनता का कहना है। नागपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के ध्येय से 2 कंपनियों की नियुक्ति कचरा संकलन के लिए की गई, लेकिन हालत और भी खराब हो गए, जगह जगह कचरे के ढेर नजर आते हैं, रोड किनारे, फ्लाईओवर के नीचे, सार्वजनिक स्थलों सहित सड़क किनारे कचरे के ढेर दिख जाएंगे, कचरा अब बड़ी समस्या बनने लगा है। इस ओर ध्यान खींचने के लिए नागपुर सिटीजन फोरम ने महापौर दयाशंकर तिवारी और आयुक्त राधाकृष्णन बी का मुखौटा पहनकर शहर में कुछ कचरे के ढेर का सांकेतिक उद्घाटन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नागपुर शहर को डस्टबिन फ्री सिटी बनाने की संकल्पना ही पूरी तरह से फेल हो गई। फोरम का आरोप है कि नागपुर वासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ चल रहा है, दुर्गंध और अस्वच्छता फैलते ही जा रही है। सिटीजन फोरम की तरफ से रविवार को पश्चिम नागपुर के पुलिस लाइन टाकली, उत्तर नागपुर के रानी दुर्गावती नगर, मध्य नागपुर के रेलवे स्टेशन व कॉटन मार्केट परिसर में प्रतीकात्मक तौर पर आंदोलन किया गया। फोरम की तरफ से शहर में 75 स्पॉट की खोज कर उद्घाटन किया जाएगा, जहां भी कचरा दिखेगा उस स्थल को पदाधिकारी, अधिकारी व पार्षद का नाम दिया जाएगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ।
अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर के त्योहारों के बीच नागपुर वासियों के लिए अच्छी खबर है। जिले में गत 59 दिनों से कोविड से कोई मौत नहीं हुई है। नए संक्रमितों की संख्या भी घटी है। रविवार को कोविड के महज 4 नए संक्रमित मिले। 16 सितंबर को जिले के बाहर के एक मरीज की मौत हुई थी, लेकिन मृत मरीज पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश का था। नागपुर जिले में फरवरी के अंत में दूसरी लहर शुरू हुई। अप्रैल में संक्रमण पीक पर था। अप्रैल में जिले में रिकॉर्ड 2290 रोगियों की जान गई। उसके बाद मौत के आंकड़े कम होने लगे। अगस्त में 3 तथा सितंबर में रोगी की मौत हुई थी। 12 अगस्त को शहर में एक मरीज की मौत दर्ज की गई थी। फिर 31 अगस्त व 16 सितंबर को मृतक एक एक रोगी जिले के बाहर के थे। जिले में रविवार को 4 नए संक्रमित मिले। इनमें 2 शहर के और 2 जिले के बाहर के हैं। कुल 4374 नमूनों की जांच की गई। इनमें शहर के 3315 तथा ग्रामीण के 1061 नमूने हैं। इससे रिकवरी रेट करीब 97% हो गया। स्वच्छ नागपुर, सुंदर नागपुर की एक अनोखी तस्वीर आज आपको दिखाते हैं, जो देखकर शायद आप सोच में पड़ जाएंगे, क्या ये हमारा नागपुर है? नागपुर के पौष कहे जाने वाले रामदास पेट की विचलित करने वाली कुछ तस्वीर आपको बताते हैं, जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नागपुर की क्या वास्तविकता है। स्वच्छ नागपुर, सुंदर नागपुर, ऐसी पहचान रखने वाले नागपुर की एक अलग तस्वीर मैं आज आपको बताऊंगा। और नागपुर के बहुत ही पौष माने जाने वाले रामदास पेट इलाके में हम हैं, और ये मुख्य मार्ग है जो हमारे नागपुर को जोड़ता है, और ये वो नागपुर की नाग नदी है जिससे नागपुर को पहचाना जाता है। ये दीवार पिछले कई दिनों से मैं कहूँगा कि क्षतिग्रस्त है, और कई सारे असामाजिक तत्वों की वजह से यहाँ के जो नागरिक है वो बड़े परेशान हैं। और आप देख सकते हैं हमारे स्वच्छ नागपुर, सुंदर नागपुर की क्या हालत है, और यही वो नागरिक है। और सामने आप देख सकते हैं कि रिहायशी इलाका है जहाँ पर लोग रहते हैं, लोगों की खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो इस मामले से परेशान हैं। और ऐसी बात नहीं कि इन लोगों ने कभी नागपुर महानगर पालिका को ये बात संज्ञान में नहीं लाई है, कई बार बताई, लेकिन एक्शन जो है वो उस पर नहीं हुआ। क्या प्रतिक्रियाएं हैं इनकी वो जानते हैं। क्या तकलीफ है आपको? 5 साल पहले जो नगर सेवक थे उनको हमने ये सब दिखाया था, उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि यहाँ हम गार्डन लगाएंगे, ऐसा करेंगे, कुछ भी किया नहीं है 5 साल। वो उसके बाद वो महापौर भी हुए, उसके बाद भी उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, और हमारी परेशानी जो है वो अभी तक वैसी की वैसी है। कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि ये नाग नदी है, नाला है, लोग टॉयलेट के लिए आते होंगे, कुछ असामाजिक तत्व आते होंगे, और कई सारे लोग जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स भी, तो कचरा भी डालते होंगे, तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता? ये जो अभी आपने जो वॉल दिखाए, वो वॉल जो है दीवार पड़ून जवळपास 2-3 महीने झालेला आहे। कॉर्पोरेशनला आपण लेटरसुद्धा लिहिलेलं आहे, पण त्या याच्यावर अजूनही काही ॲक्शन झालेलं नाही। आणि ही जी भिंत पडली त्याच्यामुळे काय होतं की आजूबाजूचे जे लोक आहे, जे फुटपाथवर राहतात किंवा बाजूचे, ते इथं आतमध्ये येऊन घाण करतात ते, आणि त्याच्यामुळे काय होते की हे मच्छर आणि हे सगळा घाणेरडा वास, इथं उंदरी, हे ते सगळे आमची जी बिल्डिंग आहे, जवळपास 80 फ्लॅट आहे आणि 200 लोक इथं राहतात। आणि आरोग्याच्या दृष्टीने काय आहे की नेहमी मलेरिया, डेंग्यू अशा प्रकारचे जे रोग आहे ते रोग होतात, आणि हे सगळे जे हेल्थचा प्रॉब्लेम आहे हे सर्व या नाल्यामुळे होते। तर आमची मागणी अशी आहे की ही जी भिंत आहे ती भिंत कमीत कमी 4 फूट ते 6 फूट एवढी उंच पाहिजे। तेवढी उंच असली तर म्हणजे बाकी जे असामाजिक लोक जे आहे, जे लोक घाण करतात आणि बाकीचे ॲक्टिव्हिटी करतात, ते लोक येणार नाही आणि इथं घाण करणार नाही। आणि आरोग्याच्या दृष्टीनं हे काम करणं अत्यंत आवश्यक आहे,
आमची कॉर्पोरेशनला एवढी नम्र विनंती आहे की त्यांनी या कामात लक्ष द्यावे आणि टॉप प्रायोरिटी दे काम करावं, हीच आमची इच्छा आहे। क्या लगता है आपको, क्या वजह है कि जिसकी वजह से, मैंने पहले ही कहा कि रामदासपेट एक बहुत पॉश इलाका है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग रहते हैं, फिर भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो रही, तो क्या लगता है क्यों उदासीन है इतनी नागपुर महानगर पालिका? मैं रामदासपेट प्लाट ओनर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमने कई बार यहाँ पर कंप्लेन भी की है, गडकरी साहब को भी मिले थे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि यहाँ पर नाव चला देंगे हम। नाव तो चलाना दूर रहा, ये नाला दुरुस्त नहीं हो रहा है। हर साल JBC आती है कचरा साफ़ करने के लिए, कचरा क्या साफ़ करती है, कचरे को दोनों साइड कर देते हैं, बीच में से पानी का प्रवाह खुल जाता है, कचरा कुछ निकलता नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए के बिल बन जाते हैं और वो जैसे का वैसा है। पिछले साल ये JBC अंदर जा नहीं रही थी तो उन्होंने भित्त को तोड़ दिया दीवाल को और JBC को नीचे उतारा, दो तीन साल से दीवार वैसी की वैसी पड़ी है। हमने महापौर को, कॉरपोरेशन को कई लेटर दिए, हमारे सोसाइटी में उनका रिसीव्ड है पूरा, लेकिन ये भिंत अभी तक नहीं बनी। हमारी ऐसी मांगनी है कि दीवार को कम से कम 6 फुट ऊंचा किया जाए, क्योंकि लोग इसमें कचरा डालते हैं, सवेरे के टाइम पे तो लाइन लग जाती है, टॉयलेट के लिए भी लाइन लग जाती है। अब क्या बोलें, हम लोग यहाँ छोटे छोटे बच्चे, लेडीज़ सब लोग रहती है, बड़ा शर्म आती है देखने के लिए। तो ऐसा कम से कम आप लोग सब करें तो ये कम से कम दीवार को ऊंचा करें जिससे कि कचरा लोग अंदर ना डालें और मच्छर इससे हैजा वैजा बहुत फैल रहा है। बस ये और क्या कहें, हम यही हमारी मांगनी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जैसे कि सर ने बताया कि सुबह तो यहाँ लाइन लग जाती है, तो आप लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है। बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ हमको, तो ये मतलब इसको दीवार जल्दी बना देनी चाहिए। और दूसरा मेन पर्पज कैनाल का ऐसा है कि जब बारिश बहुत आती है, ओवरफ्लो होता है, तो उन तालाब से पानी छोड़ते हैं और इसमें से वो आगे चला जाता है। पर ये इसमें तालाब का पानी तो नहीं, पर वो सबके गटरों का पानी इसमें आ रहा है, तो उससे तो इतने प्रॉब्लम होते हैं। मतलब ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया कि उस पर गटरों बंद करना, पर कम से कम मतलब क्या यहाँ दीवार खड़ी करके और यहाँ इसके ऊपर कैमरे लगा देना कि भाई यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, आप यू आर अंडर वॉच। तो ऐसा करने से लोग अंदर कचरा डालने को डरेंगे। हम जिसको भी मना करें सवेरे के टाइम पे गंदगी जो करते हैं, झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं। हम तो ऐसे लोगों से झगड़ा कर भी नहीं सकते, सवेरे गंदगी करने आते हैं, कचरा डालते हैं, हम चौकीदार को भेज के मना करते हैं लेकिन वो मानते ही नहीं, झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होता है, समस्या बहुत गंभीर है। तो ऐसे में भविष्य में जो है आप लोग क्या रुख लेंगे फिर, अगर नहीं ध्यान देती है नागपुर महानगर पालिका? तो ये तो अभी कंप्लेंट पे हमने दिया है, अभी आपके माध्यम से, सबके माध्यम से अगर ये दीवार नहीं बनती है तो फिर हमारे को अभी दूसरे अभी कुछ लीगल रिसोर्स का साथ लेना पड़ेगा आगे में जाके। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, और जैसे कि मैंने कहा कि नागपुर स्वच्छ नागपुर और जिसे हम कहते हैं ग्रीन नागपुर जो है कहते हैं, लेकिन इस स्वच्छ नागपुर की ये एक तस्वीर है। शायद नागपुर महानगर पालिका को जो है इसके तरफ अपना ध्यान ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि रामदासपेट वो इलाका है जो कि नागपुर में सबसे पॉश माना जाता है, और अगर उस पॉश इलाके की अगर ऐसी तस्वीर है तो बाकी पूरा नागपुर कैसा होगा, ये सोचने वाली बात है। कैमरामैन रोशन के साथ मैं अमोल शेंडे, VKB न्यूज के लिए। नागपुर के किंग्सवे हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जा रहा है, जहां पर ब्रेस्ट कैंसर से ठीक हुए मरीजों ने खुशी मनाते हुए अपने विचार VKB न्यूज से साझा किए। ज्ञात हो कि ब्रेस्ट कैंसर एक जटिल समस्या बन चुका है, जिसे देखते हुए किंग्सवे अस्पताल द्वारा ये अभियान चलाया गया जिसको 100% कामयाबी मिली। किंग्सवे हॉस्पिटल की तरफ से ब्रेस्ट कैंसर जो होता है उसकी अवेयरनेस के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा कैंपेन चलाया जा रहा है, और सबसे खास बात यह है कि जो सर्वाइवल है उन सभी को बुलाया गया, और इसलिए किंग्सवे हॉस्पिटल की पूरी टीम हमारे साथ है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है सर, तो उसके बारे में क्या बताएं? अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो उस दौरान ही हमने आज 10 अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर मीट करके हमने किंग्सवे हॉस्पिटल में रखा है। तो मैं आपको थोड़ा जो हमारे रिसेंट एडवांसेस है सर्जरी में ब्रेस्ट कैंसर के वो बताना चाहूँगा और स्क्रीनिंग के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे मतलब ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के दो टाइप्स है, एक मतलब जिसमें हम पूरा स्तन निकालते हैं, दूसरा जिसमें स्तन बचाने वाली सर्जरी करते हैं। तो जो स्तन बचाने वाली सर्जरी है उसको हम ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जितना ट्यूमर है, प्राइमरी ट्यूमर जो ब्रेस्ट में है, उसको हम 1 से 2 सेंटीमीटर चारों तरफ नॉर्मल टिश्यू का परदी लेके वो प्राइमरी ट्यूमर जो ब्रेस्ट में वो गांठ निकालते हैं।
और बगल वाली गांठ के लिए हमारे हॉस्पिटल में फ्लोरोसेंस बेस्ड सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करते, जो मतलब अभी हमारे यहाँ पे चालू है, उसमें हम क्या करते जो ICG है वो इंजेक्ट करते हैं 12 o'clock और 9 o'clock पोजीशन पे निपल के अराउंड, और 5 मिनट्स में वो हम लिम्फेटिक स्ट्रेस करते हैं, और वो जहाँ तक एक्जिला में बगल में जाता है और जहाँ पे स्टॉप होता है वो हम गांठ निकाल के जांच के लिए भेजते हैं ऑपरेशन के दौरान। वो अगर गांठ निगेटिव आती है तो एक्जरी लिम्फ नोड डिसेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके वजह से क्या होता है कि एक्जरी लिम्फ नोड डिसेक्शन के जो साइड इफेक्ट्स पे हाथ पे सूजन आना या पीठ में दर्द या नमनेस रहना या मतलब जैसे बोलते हैं चिटी आने जैसे, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड हो जाती है। मतलब एक्जरी डिसेक्शन के जो साइड इफेक्ट्स है वो अपन सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कर से अवॉइड कर सकते हैं। ये हो गया ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी और सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। थोड़ा मैं प्रिवेंशन पे बताना चाहूँगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। तो अपने इंडिया में लगभग 50-60% लोग एडवांस स्टेज में आते, स्टेज 3 स्टेज 4 में आते। तो अगर अर्ली डिटेक्शन जैसे स्टेज 1 में डिटेक्ट होता है तो पेशेंट के 90% चांसेस है कि वो पूरी तरह से क्योर हो जाए। तो इसके लिए अर्ली डिटेक्शन पे अपन ने फोकस करना चाहिए। इसके लिए अपन को प्रिवेंशन मतलब क्या है, लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल रहनी चाहिए, आहार जो लेते हैं वो अच्छी तरह से मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स भरा हुआ रहना चाहिए, मांसाहार या अधिक वसा वाले पदार्थ नहीं लेना चाहिए। तीसरा है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो अपने इंडिया में ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं करते। यूजुअली स्क्रीनिंग मतलब क्या है, लक्षण आने के पहले ही अपन जो जांच करते हैं अपन उसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। इसमें अपन मैमोग्राफी करते, मैमोग्राफी मतलब एक्सरे, ब्रेस्ट के एक्सरे को अपन मैमोग्राफी बोलते हैं। इसमें क्या है, लगभग 40 के बाद सभी फीमेल्स ने स्क्रीनिंग चालू कर देना चाहिए, या जिनके फैमिली में हिस्ट्री रहती है उन लोगों ने 25 या 30 के बाद स्क्रीनिंग चालू करना है। और मैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पे ज़्यादा ये बोलना चाहूँगा। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मतलब फीमेल्स ने स्व परीक्षण अपने घर पे ही ब्रेस्ट का महीने में एक बार परीक्षण करते रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है, वो हर महीने अपना ब्रेस्ट का परीक्षण करती है तो उनको अपने ब्रेस्ट का पूरा क्या है सब पता चल जाता है, मतलब कैसा है उनका ब्रेस्ट, टेक्सचर कैसा है, कंसिस्टेंसी क्या है, कुछ गांठ है या नहीं। तो हर महीने में देखने से क्या होता है, कभी असामान्य अगर कुछ लगा तो उनको ध्यान में आ जाता है कि ब्रेस्ट में गांठ है या स्किन चेंजेस है या निपल में झुकाव है। तो ये सारी चीज़ें उनको तुरंत ध्यान में आती है और वो अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। इससे अपन कैंसर को अर्ली स्टेज या फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, इससे पेशेंट पूरी तरह से क्योर हो सकता है। तो मैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी ज़्यादा भर देना चाहूँगा। थैंक यू। बहुत सही बात कही सर ने कि सेल्फ जो है वो खुद करना चाहिए, मतलब खुद ही खुद का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि टीम है हमारे, सर आपका नाम? मैं डॉक्टर सौरभ प्रसाद हूँ, मैं किंग्सवे हॉस्पिटल का सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मेरा मेन काम कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपीज और हार्मोनल थेरेपीज देने का है। जैसा कि ये महीना आपको पता है, ये अक्टूबर मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, और आज हमने अपने ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स को यहाँ सेलिब्रेशन के लिए बुलाया है, क्योंकि उन्होंने ये ट्रीटमेंट के थ्रू गुजर चुके हैं और उनको ये सेकेंड लाइफ मिली है। मैं ये बताना चाहूँगा कि कीमोथेरेपी और ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में काफ़ी एडवांसमेंट हुई हैं पिछले कई सालों में। अर्ली ब्रेस्ट डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम जल्दी ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 1 या 2 में डिटेक्ट करते हैं तो उनका क्योर रेट काफ़ी ज़्यादा रहता है। ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी भी काफ़ी छोटी कर दी गई हैं पहले के मुकाबले और कम साइड इफ़ेक्ट वाली हो गई हैं। उसके अलावा टारगेटेड थेरेपीज़ दी जाती हैं जिससे कि रिज़ल्ट और बेहतर हो पाए। ज़्यादातर पेशेंट अर्ली स्टेज में आते हैं, लेकिन इग्नोरेंस के कारण लेट स्टेज में आने वाले पेशेंटों की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं मीडिया के द्वारा ये बताना चाहूँगा कि सभी महिलाओं को अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और स्क्रीनिंग जो मेमोग्राफी है सालाना कराना चाहिए। एडवांस स्टेज के लिए भी काफ़ी ट्रीटमेंट एडवांस हो गई हैं जिसमें टारगेटेड टैबलेट्स और हार्मोनल थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं जिससे कि पेशेंट को कीमोथेरेपी ना देना पड़े। इसके अलावा काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं, कई इंटरनेशनल रिसर्चेज हमारे किंग्सवे हॉस्पिटल में भी चल रहे हैं एडवांस स्टेज पेशेंट्स के लिए, जो आने वाली फ्यूचर की एडवांस मेडिसिन के बारे में भी है। तो इनसे हम पेशेंटों के काफ़ी फ़ायदे कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है वो रेडियोथेरेपी है। जो जिन पेशेंट को रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है उन्हें हम रेडियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उन
उनका पूरा इलाज हो पाए और वो पूरी तरह से ठीक हो पाए। और हम सभी जानते हैं कि नागपुर में किंग्सवे हॉस्पिटल जो है एडवांस चीज़ें जो है वही लेकर आता है। मैम आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर समीक्षा दुबे है। मैं भी कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ किंग्सवे हॉस्पिटल में। और मैं अपनी तरफ से सिर्फ महिलाओं को आज ये बोलना चाहूँगी कि ये जो पूरा महीना चल रहा है, हम आपकी अवेयरनेस के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो है हम हमारी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि कैंसर के हिसाब से लोगों के मन में यही धारणाएं होती हैं कि एक बार कैंसर हो गया तो फिर ठीक नहीं हो सकता। तो ये सर्वाइवर इवेंट हम इसलिए मनाते हैं, ये लोगों को दिखाने के लिए कि ये ठीक हो सकता है और पूरी तरीके से इससे बाहर आया जा सकता है। कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एक जेनेटिक या हेरिडिट्री जिसको हम बोलते हैं कि महिलाओं में पारिवारिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री कोई होती है तो उनकी रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है कैंसर होने की। उसके लिए कई टेस्ट्स होते हैं, एडवांस जेनेटिक टेस्ट होते हैं, जिससे आपकी रिस्क कितनी है, कम है, ज़्यादा है, उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और क्या जाँच करानी चाहिए आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए, बच्चों के लिए, वो सभी हमारे पास उपलब्ध है। तो आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं। महिलाओं में जो झिझक होती है अपना एक स्तन जांच कराने की, स्वयं जो एग्जामिनेशन करना है वो तो अपनी जगह है, डॉक्टर से जो चेकअप कराना है उसके लिए भी अगर किसी महिला को कोई झिझक होती है तो हमारे पास बिल्कुल आके दिखा सकते हैं, हम उसके लिए भी उपलब्ध हैं। बिल्कुल, अगर आपको लगता है आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ब्रेस्ट से रिलेटेड तो आप ज़रूर किंग्स आ सकते हैं। मैम आपका नाम? मैं डॉक्टर मोना राय, मैं पेन और पैलिएटिव केयर कंसल्टेंट हूँ किंग्सवे हॉस्पिटल में। मैं उस एंड पे हूँ हेल्थ केयर फैसिलिटी के, जहाँ पे कि पेशेंट्स मेरे पास अनफॉर्चुनेटली एक एंड स्टेज पे आते हैं या जब के कैंसर बहुत बढ़ जाता है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं, उस समय वो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। विशेषतः सिंस हम लोग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए मैं फोकस करूंगी सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी पे। जब ऐसी महिला मेरे पास स्टेज फोर या स्टेज थ्री में आती हैं और जहाँ पे उनके सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है मुझे, क्योंकि उनके मन में जो उनके छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि बीइंग अ मदर माई सेल्फ, जब मैं ये देखती हूँ कि वो बच्चे होते हैं, उनका सारा मन, उनका सारा दिल उन बच्चों में लगा होता है और वो जान रही होती है कि उनके पास समय की कमी आ गई है। यहाँ तक कि मुझे उनको ये सजेशंस भी देने पड़ते हैं कि आप चिट्ठियाँ लिखिए अपने बच्चों के लिए, जो जब वो बड़े हो जाएंगे तब वो चिट्ठियाँ पढ़ पाएंगे आपकी, कि आप एज अ मदर उनके लिए क्या मैसेज देना चाह रही थी। उस समय इट ब्रेक्स माय हार्ट टू थिंक दैट यू नो, अगर ये जल्दी आ जाती, अगर ये जल्दी डिटेक्शन करवा लेती, अर्ली डिटेक्शन हो जाता तो ये आज बच पाती। सो इसका ये इम्पैक्ट होता है, पूरा परिवार बिखर जाता है, पूरा बच्चे अपनी माँ से दूर हो जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली समय की कमी आ जाती है एडवांस स्टेजेस में। सो मैं सारी महिलाओं से और उनके फैमिली से ये अनुरोध करूँगी, ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ जल्द से जल्द स्क्रीनिंग डिटेक्शन ये करें, जिससे कि यू स्टैंड अ वेरी ग्रेट चांसेस सर्वाइवल, क्योंकि जितना अर्ली डिटेक्शन होगा, जैसे डॉक्टर सौरभ प्रसाद ने भी कहा कि 90% सर्वाइवल हम कर सकते हैं। सो प्लीज़ बी वेरी अवेयर, और आज ये इवेंट इसीलिए भी हुआ है कि ये समाज में जाए और फैले, और यहाँ पे जितने हैं मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि सारे लोग आगे 10 लोगों को बताएं और वो 10 लोग आगे 10 लोगों को बताएं, तो इससे एक एक्सपोनेंशियल अवेयरनेस होगा, जिससे कि बहुत सारी जानें बचेंगी और उन माताओं की जो अपने छोटे छोटे बच्चों से जुदा हो जाती हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये तो था किंग्सवे हॉस्पिटल, और हमने जाना कि ब्रेस्ट कैंसर से अगर बचना है तो अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी और सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा कैंपेन जो है वो किंग्सवे हॉस्पिटल चला रहा है। कैमरामैन रोशन के साथ मैं अमोल शिंदे, वीकेबी न्यूज़ के लिए। विद्यापीठ के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र और मार्कशीट बनाकर लोगों को ठगने वाले आरोपी को अतिरिक्त मुख्य न्यायदंड अधिकारी BM कार्लेकर ने दोषी करार देते हुए 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। आरोपी भंडारा निवासी दीनानाथ भीकू नागपुरे बताया गया। दीनानाथ महाराज बाग चौक पर स्थित विद्यापीठ के कार्यालय में उम्मीदवारों के मूल दस्तावेज हटा देता था, उसकी जगह पर फर्जी तरीके से बनाई गई मार्कशीट और प्रमाण पत्र रख देता था। मार्च 1999 में उसका भांडा फूट गया। सीताबर्डी पुलिस से शिकायत की गई और उसके खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। तत्कालीन पुलिस निरीक्षक RA सैयद ने प्रकरण की जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया। सरकारी वकील MD नंदेश्वर आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुए। न्यायालय ने धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में दीनानाथ को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। बतौर पैरवी अधिकारी AASI हरिभाव और हेड कांस्टेबल बाबाराम ने कामकाज संभाला। तो VKB न्यूज के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।